गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को देखना है, उसके बाद अगले दो स्टेप बताने हैं। तो पैटर्न क्या है आपका, 84 × 5 = 84 × 10/2 = 42 × 10 = 420 × 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो 84 तो सेम है, 5 से आपका कितना हो गया 15, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगी, 5 × 3 = 15। 84 सेम है, 10 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 30 हो गया आपका। 42 सेम है, 10 की 3 से मल्टीप्लाई 30 हो गया। 420 सेम है, 1 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 3 हो गया। अब 84 सेम है, अब फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 से हुई, इसका मतलब 25 हो गया। 84 सेम है, 10 की मल्टीप्लाई 5 से 50 हो गया। 42 सेम है, 10 की मल्टीप्लाई 5 से 50। 420 सेम है, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि 1 से 3 हुआ मतलब 2 का स्पेस, 3 से 5 हुआ 2 का स्पेस। तो इसका मतलब पहले हमारी 1 से 3 की मल्टीप्लाई हुई थी, 3 से 5 की, अब किससे होगी, 7 से मल्टीप्लाई होगी। तो 84 × 5 = 35। 84 सेम, अब 10 की 7 से होगी तो 70/2 = 42 सेम, 10 की 7 से होगी 70। 420 सेम आएगा, अब 1 से होगी तो 7। अब 7 के बाद 2 का स्पेस और लेंगे तो किससे होगी, 9 से होगी। तो 84 सेम आएगा, 5 की 9 से होगी 45। 84 सेम, 10 की 9 से होगी 90/2। 42 सेम, 10 की 9 से होगी 90। 420 सेम, और 1 की 9 से होगी तो 9। तो ये आपके दो नेक्स्ट स्टेप होंगे। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें भी आपको पैटर्न देखना है और फिर अगले दो स्टेप आपको बताने हैं। तो आपका पैटर्न क्या है, 15873 × 7 × 1 = 1111111। नेक्स्ट स्टेप है आपका 15873 × 7 × 2। अब यहाँ देख रहे हैं हम 1 से 2 हो गया है, तो यहाँ सारे 2 हो गए। इसी तरीके से 15873 ऐसे ही, 7 भी ऐसे ही, 2 से 3 हुआ तो आपके 3 हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, 15873 × 7 × 4 और सारे आपके क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगला स्टेप क्या होगा, 15873 × 7 × 5। तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये आपके दो नेक्स्ट स्टेप होंगे।